देखो हम लोगों ने बात कर ली थी बॉन्ड लेंथ की बात हो गई थी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की बात हो गई थी, अब बॉन्ड एंगल की बात हो गई थी। अब कुछ बॉन्ड एंगल में एक्सेप्शंस आते हैं जिनमें होता है क्या, कुछ कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है उनका शेप और बॉन्ड एंगल क्या होता है फिक्स होता है लगभग, और वो फिक्स क्यों होता है उसका रीजन क्या होता है हम सबके बारे में बात करेंगे। उसको बताते हैं ड्रैगो, उसको बोलते हैं ड्रैगो रूल। क्या बोलते हैं? ड्रैगो रूल। घड़ी डालो, ड्रैगो रूल। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस क्वेश्चन आ जाकर के एक्सेप्शन है, ये करिएगा, ठीक है। ड्रैगो रूल, ड्रैगो रूल क्या होता है, कब अप्लाई होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो ड्रैगो रूल कब अप्लाई होगा, देखो सबसे पहला नंबर, देखो सेंट्रल एटम शुड बी फ्रॉम, सेंट्रल एटम शुड बी फ्रॉम ग्रुप 15 टू ग्रुप 17। मतलब जो मॉलिक्यूल है उसका जो सेंट्रल एटम है वो ग्रुप 15, ग्रुप 16 या ग्रुप 17 का होना चाहिए, उसके अलावा कहीं और का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है बेटा, सेकेंड थिंग लिखो, सेंट्रल एटम शुड बी, सेंट्रल एटम शुड बी थर्ड पीरियड। जो सेंट्रल एटम हो किस पीरियड का होना चाहिए बेटा, थर्ड पीरियड का होना चाहिए। किस पीरियड का होना चाहिए? थर्ड का। कहने का मतलब है अगर हम ग्रुप 15 में देखें तो ग्रुप 15 में थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन होगा? फास्फोरस होगा। ग्रुप 17 में कौन होगा? सेलेनियम होगा, सॉरी सिलिकॉन होगा, ठीक है। और ग्रुप 17 में कौन होगा? क्लोरीन होगा। ग्रुप 17 में कौन होगा? क्लोरीन। ये हमारे ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में क्या होंगे? ये हमारे थर्ड पीरियड में ये क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, ठीक है। जरा नोट करो, नेक्स्ट है जो सेंट्रल एटम है उसके पास क्या होना चाहिए? शुड हैव लोन पेयर। जो सेंट्रल एटम है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी ड्रैगो रूल फॉलो करेगा, अदरवाइज ड्रैगो रूल फॉलो नहीं करेगा। यही कंडीशन है, एक और कंडीशन है इसमें, उसमें ड्रैगो रूल फॉलो करता है। ड्रैगो रूल का मतलब होता है कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 15 के जिनका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का होता है और उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग फिक्स होता है, उनका बॉन्ड एंगल लोन पेयर की वजह से चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। देखो और नियरली कितना होता है उनका बॉन्ड एंगल? नियरली उनका बॉन्ड एंगल होता है बेटा 90 डिग्री होता है। कितना होता है? तो नियरली बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है? 90 डिग्री। अभी लिखा रहा हूं, तो सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, जो सेंट्रल एटम से बॉन्डेड एटम होते हैं उनको बोलते हैं सराउंडिंग एटम। जो सराउंडिंग एटम है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम शुड बी लेस देन electronegativity of surrounding atom should be less than equal to 2.5। मतलब या तो 2.5 हो या तो उससे कम हो, अगर उससे ज्यादा होगी तो ड्रैगो रूल फॉलो नहीं करेगा। मतलब ड्रैगो रूल फॉलो कराने के लिए आपके लिए चार कंडीशन इनको होना मस्ट है, अगर ये होंगी तभी हमारी कंडीशन ड्रैगो रूल फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो अब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है, जैसे सुनो ध्यान से बेटा, जैसे ग्रुप 15 में हो गए NH3, PH3, ASH3, SPH3 और BIH3। ये हमारा हो गया ग्रुप 15 का मामला। कहां का मामला हुआ? ये ग्रुप 15 का या फिर A का हुआ। अगला है तुम्हारा कौन सा, ग्रुप 16 में कौन है? H2O, H2S,
गलत बोल गया, सल्फर होगा बेटा जी, ठीक है, कोई कार्बन सुना नहीं, H2SE, H2TE और H2PO कोलोनियम। होता क्या है इसमें, इसमें हमारा ये हमारा ग्रुप थर्ड है, ग्रुप थर्ड ए ग्रुप फोर, सॉरी ये थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड फिफ्थ पीरियड सिक्स्थ पीरियड, ठीक है ना। देखो देखो हाँ, इसमें क्या है, ये जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं ये सभी मॉलिक्यूल क्या है इसको फॉलो कर रहे हैं। देखो सेंट्रल एटम शुड बी फ्रॉम ग्रुप 15 से ग्रुप 17, बिल्कुल सही बात है, देख लो ग्रुप 15 ग्रुप 16, सेंट्रल एटम शुड बी थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड का होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर, सबके पास इसमें एक लोन पेयर, इनके पास दो दो लोन पेयर सबके पास, ठीक है। नेक्स्ट कि जो हमारा ये जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन, सॉरी सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस देन 2.5 और हाइड्रोजन की 2.5 से बहुत ही कम होती है, लगभग 2 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये सभी फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं इनका जो बॉन्ड एंगल होता है अकॉर्डिंग टू ड्रैगर रूल लगभग कितना होता है, 90 डिग्री फिक्स होता है, कितना होता है इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री क्या होता है फिक्स होता है और इनका चेंज नहीं होता ड्यू टू ड्रैगर रूल, ठीक है ना। नोट कर लो, हेडिंग पड़ेगी बैक बॉन्डिंग, हेडिंग पड़ेगी बैक बॉन्डिंग, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बेस क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग मतलब बैक साइड से बॉन्डिंग, सबसे पहली बात बैक बॉन्डिंग कब होती है, बैक बॉन्डिंग तभी होती है जब किसी एक मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम से दूसरा एटम बॉन्डेड होता है उस बॉन्डेड एटम को बोलते हैं सराउंडिंग एटम, उस सराउंडिंग एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर। दूसरी चीज सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कैसा हो, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनना, ये तब होती है जब किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्डेड एटम है उस बॉन्डेड एटम में जो सेंट्रल एटम होता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो बॉन्डिंग करने के बाद भी। जैसे Pn3 बोरॉन के पास आउटर समय 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बना के 6 करता है, 2 तब भी कम उसके पास, लेकिन फ्लोरीन के पास लोन पेयर है जो बॉन्डेड एटम उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो सेंट्रल एटम उसके पास उसका ऑर्बिटल कैसा वैलेंट है तभी बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग कब अच्छी होती है, जब जो डोनर एटम होता है फ्लोरीन है अब इलेक्ट्रॉन देगा पीछे से तो उसका साइज क्या हो, जो बॉन्डेड एटम है उसका साइज छोटा हो, ठीक है। अब ये सब कुछ लिखा रहा हूं, बैक बॉन्डिंग कब होती मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, क्या शर्तें हैं, उनकी बात करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, राइट डाउन डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट की, देखो एक्सपेरिमेंट की सर इसी के आगे, एक्सपेरिमेंट की डिटरमाइन डिटरमाइन बॉन्ड लेंथ ऑफ बी सिंगल बॉन्ड एफ इन Bf3, बी सिंगल बॉन्ड एफ इन Bf3 इज स्मॉलर देन थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ, थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ ऑफ बी सिंगल बॉन्ड एफ, थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ ऑफ बी सिंगल बॉन्ड एफ इन Bf3, इन Bf3। देखो बेटा सबसे पहली बात जो मैंने आपको समझाया कि बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग होती कब है, अब देखो जैसे ये हमारा Bf3 ये बोरॉन है इसलिए 3 क्लोरीन से इस तरीके से बॉन्डिंग कर रखी है, बोरॉन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं
फाइव एटॉमिक नंबर होता है 2, 3 बैलेंस के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 के साथ इसने बॉन्डिंग, 3 क्लोरीन के साथ इसने क्या कर दिया, बॉन्डिंग कर लिया। ठीक है, क्लोरीन के बाद बॉन्डिंग करने के बाद भी कितने लोन पेयर बच गए, 3-3 लोन पेयर बच गए। ठीक है, 3-3 लोन पेयर बच रहे हैं। बॉन्डेड एटम किसको सराउंडिंग एटम बोलेंगे, तो सराउंडिंग एटम है इसके पास लोन पेयर है। दूसरी चीज, जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, इसका अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। क्यों, देखो बोरॉन के पास बैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ बॉन्डिंग कर ली, अभी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी इसको और करने के 2 चाहिए। अब इसको 2 कहां से मिलेगा, अब बात तो यहां फंस गई, 2 कहां से मिलेगा, तो वो क्या करेगा, अब पूरी अपना इलेक्ट्रॉन देगा इधर, इसी को बोलेंगे एक ही मॉलिक्यूल में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, उसी को बोलते हैं पेयर बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, पेयर बॉन्डिंग। अभी यहां पर एक बात बताओ, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, सिंगल की उससे कम, डबल की सबसे कम, ट्रिपल की। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास एक बॉन्ड और आ जाएगा, मतलब उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड फैक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। इसलिए तो मैंने बोला कि जो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट की बॉन्ड लेंथ होती है वो थ्योरेटिकल से क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और पहले यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के आने की वजह से क्या होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, उसका बॉन्ड। समझ गया ना मेरी बात, आपको क्लियर है ना, ये बताओ पहले आप। अब देखो, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव आता है पार्शियल का, और जो लेता है उस पर निगेटिव आता है, और एक क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो देखो भाई, अगर ये वाला क्लोरीन देगा तो क्या होगा, देखो बीएमपी तो था पहले से ही, इसके अंदर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ गए, समझ गए। अब ये वाला अगर देगा, देखो एक ही देगा क्लोरीन, तीनों क्लोरीन नहीं देंगे एक साथ, अगर ये वाला क्लोरीन देगा तो कैसा बनेगा भाई, इसके बाद डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। ये वाला अगर क्लोरीन दे देगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। आप देखो एक तरीके से तीनों क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, इसका मतलब इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, तीनों क्लोरीन के पास अब क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब क्या है, पहले सिंगल बॉन्ड था और जब इसे इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाता है, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है, इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है। देखो इन BF3 बोरॉन हैज वैकेंट ऑर्बिटल, बोरॉन हैज वैकेंट ऑर्बिटल इन BF3, बोरॉन हैज वैकेंट ऑर्बिटल एंड इट्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एंड इट्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, and its incomplete octet, while bonded fluorine atom, while bonded fluorine atom, while bonded fluorine atom have, sorry, has extra lone pair electron, has extra lone pair electron so fluorine donates its electron to boron
टू बोरॉन ड्यू टू दिस प्रोसेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप बिटवीन क्लोरीन एंड बोरॉन सो बॉन्ड लेंथ बिटवीन बोरॉन एंड क्लोरीन विल बी डिक्रीजेस. ओके, अब बात यह आती है किस तरह आखिर बैक बॉन्डिंग होगी कब, वो कौन कौन सी कंडीशन है. आपने तो बता दिया व्यक्ति का एग्जाम्पल, चलो अगर कोई दूसरा आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे. तो सर वो कौन सी कंडीशंस हैं जब बैक बॉन्डिंग होगी. हेड डालो कंडीशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, जल्दी से डालो कंडीशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग, कंडीशंस ऑफ बैक बॉन्डिंग. बैक बॉन्डिंग की कंडीशन दो तरह के एटम पर डिपेंड करेगी. एक है हमारा डोनर एटम और एक है इलेक्ट्रॉन लेने वाला है. एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है. जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले से बॉन्डेड हो, पहली बात. दूसरी बात, उस देने वाले के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर हो, मतलब बॉन्डिंग करने के बाद भी उसके पास इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए, ठीक है. और लेने वाले पास तो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, पार्ट बैक बॉन्डिंग नहीं होगी. देखो जरा, देखो बैक बॉन्डिंग जनरली, राइट डाउन, बैक बॉन्डिंग जनरली टेक्स प्लेस वेयर one pair between bonded atom one atom has vacant orbital and another bonded atom have complete octet as well as extra lone pair electron अब देखो जो डोनर एटम है कैसा होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट भी कंप्लीट हो, तो वो कौन हो सकता है, क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. मतलब और दूसरी बात, डोनर एटम का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. इनवर्सिटी क्या होता है बेटा, साइज भी होता है. तो आपको पता है किसी पीरियड में इलेक्ट्रॉन जाकर साइज इंक्रीज करता है, तो क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है कि बहुत अच्छे से बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है. दूसरी चीज, एक्सेप्टर एटम सबसे अच्छा. एक्सेप्टर एटम क्या होना चाहिए बेटा, बोरॉन सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. सबसे अच्छी बॉन्डिंग कहाँ होती है, बोरॉन और क्लोरीन के बीच में होती है, ठीक है. जो हमारा डोनर एटम होता है तो साइज क्या होता है, छोटा होना चाहिए. और हमारा क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम का भी साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर पाएगा, ले पाएगा, ठीक है ना. बात यह आती है कि जो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि लिथियम और बेरिलियम तो होते ही बैक बॉन्डिंग नहीं देते, क्योंकि इनके पास क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर होता है. कभी भी आयनिक बॉन्ड बनाने वाले जो एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, वो हमारा बैक बॉन्डिंग तो नहीं करते, केवल कौन करते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना. याद रखना, जो भी कंपाउंड हमारे, जो भी एलिमेंट हमारे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती. और डोनर एटम कैसा होना चाहिए, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और एक्सेप्टर एटम कैसा होना चाहिए, बोरॉन सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम. देखो बोरॉन के पास भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल. सिलिकॉन और एल्युमिनियम के पास क्या है, वैकेंट. इसके पास क्या है बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल. इसके पास क्या है, वैकेंट डी है, और इसके पास भी क्या है, वैकेंट डी. देखो तो थ्री डी खाली है, दोनों. और इसका क्या खाली है, इसका पी खाली. सेकंड नहीं होता है, इसका क्या खाली है, इसका पी ऑर्बिटल खाली, डी ऑर्बिटल खाली है.
मतलब वैकेंट है, इसलिए क्या हुआ, वैकेंट का मतलब है खाली है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी की है। ओके, इसको जल्दी से नोट करो, इसके आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि BF3 BCl3 BBr3 और BI3, इन चारों में सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी, मतलब बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर लिखना है, क्या लिखना है, बैक बॉन्डिंग का क्या लिखना है, इसमें ऑर्डर लिखना है। तो क्या करोगे भाई, देखो जरा यहां पर जो डोनर एटम, इसका साइज छोटा है, बिल्कुल सही है, यहाँ और बड़ा हो गया साइज, यहाँ और बड़ा और यहाँ और बड़ा, जितना डोनर एटम का साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी माय डियर, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी बोलो, सबसे अच्छी बीएफपी बॉन्डिंग होगी, कहाँ होगी, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग बीएफपी की होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर है बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर। ये बेस क्वेश्चंस पे आ चुका है, डायरेक्ट पूछा गया था जी, नोट करो। ये हमारा किसका ऑर्डर हो गया, ये हमारा बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन है ट्राई सिलालिन एमाइन इस प्लेनर, प्लेनर का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2, व्हाइल ट्राई मिथाइल एमाइन इस नॉन प्लेनर, ब्रैकेट में टेट्राहेड्रल, सॉरी पिरामिडल, व्हाई, क्यों, देखो जरा होता क्या है, ट्राइस वाले में एमाइन क्या होता है, एन के पास लोन पेयर SiS3, इसको बोलते हैं ट्राइसिलालिन एमाइन, ठीक है, ध्यान समझना, ठीक है। दूसरा होता है ट्राई मिथाइल एमाइन, एन से 3 CH3 लगे। अब देखो होता क्या है, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, अब क्या होगा, इस सिलिकॉन के पास इसका ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, वैकेंट होता है, कैसा होता है, वैकेंट होता है, मतलब सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर होता है, मतलब होता है इसका 3s2, 3p2 और 3d0, इसका जो डी ऑर्बिटल और पी है दोनों क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। तो चलो दो इलेक्ट्रॉन है भी यहाँ पर, और एक ऐसे ले लेगा, साइड स्टेट में तीन पूरे हो जाएंगे उसके, मतलब हाफ फ्रेंड स्टेट में आ जाएगा, लेकिन बी तो पूरा खाली है। तो ये क्या करता है, ये इससे लोन पेयर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या करता है, ले लेता है। ये क्या करेगा, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा तो इसके पास अब इस नाइट्रोजन का जब वाइब्रेशन निकालेंगे तो इसमें लोन पेयर कौन होंगे नहीं, क्योंकि वो तो कहां चले गए, बॉन्डिंग में चले गए। ध्यान रखना बेटा, कभी भी किसी भी प्रोसेस में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो जो लोन पेयर या जो इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस में चले जाते हैं उनको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, और जो हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं उनको हम रेजोनेंस में काउंट नहीं करते। ये मैं आपको जियोसिम पढ़ाऊंगा मैं इस चीज को, ठीक है। जो लोन पेयर रेजोनेंस में चले गए तो उनको हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेंगे, जैसे लेते हैं ना नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ लोन पेयर, उनको वहां नहीं लेंगे, और जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं उनको हम रेजोनेंस में लेते हैं। तो यहां पर एक ही लोन पेयर वो कहां चला गया, हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसके पास केवल 3 सिग्मा बचे, 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2 आ गया, और ये प्लेनर हो गया। लेकिन यहां पर कार्बन के पास सेकंड डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ना इसका p खाली ना इसका d खाली, डी तो होता ही नहीं, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती। अब जब बैक बॉन्डिंग नहीं है तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, sp3, और कैसा हो गया, ये पिरामिडल हो गया, कैसा हो गया बेटा, ये